हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आदित्य राज। आज हम लोग बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट के बारे में, और ये इसका सेकेंड बेस मॉडल है, यानी कि इसका एक्सेल वेरिएंट। और यहीं से आपको बहुत सारा फीचर मिलने लगता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है। प्राइस कितना है? 7,04,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। वहीं अगर ऑन रोड का बात करें तो मैं अभी खड़ा हूँ गोवर्धन निसान मुजफ्फरपुर बिहार में। यहाँ पे आपको इसका मोटा मोटा ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है 8,06,000। शोरूम का सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल करके आप पूरा डिटेल ले सकते हो। शुरू करते हैं। फ्रंट साइड में बड़ा सा ग्रिल अपने को देखने को मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश के अंदर। उसके बाद साइड में अपने पास क्रोम इंसर्ट देखने को मिलेगा निसान का लोगों के साथ। साइड में आओगे तो अपने पास क्रोम का पट्टी DRL के जगह पर लगा दिया गया है। ऊपर आओगे रिफ्लेक्टर बेस बल्ब है। इंडिकेटर अपने पास हेलोजन के अंदर है। फ्रंट में विड्थ जो है वो आपको मिलता है 1758 mm का। की अपने पास नॉर्मल की मिलता है लॉक अनलॉक के बटन के साथ, जो कि एक अच्छा बात है। साइड प्रोफाइल से आते हैं तो अपने पास 3994 mm का लेंथ देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 205 mm का अपने को मिल रहा है, मतलब कि अच्छा खासा एक SUV का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद इधर जब आएंगे हम लोग आगे की तरफ तो अपने पास जो ORVM है वो ब्लैक कलर का ग्लॉसी फिनिश से मिलता है इंडिकेटर के साथ। मैग्नाइट का बैजिंग यहाँ मिलेगा। टायर प्रोफाइल पर जब आओगे तो यहाँ पर अपने पास कितना टायर प्रोफाइल है, अपने पास स्टील रिम मिल रहा है व्हील कैप के साथ। प्रोफाइल अपने पास 195/60 16 इंच का यहाँ पे आपको स्टील रिम मिल रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। यहाँ पे अपने को मड फ्लैप मिल जा रहा है, थोड़ा सा एक SUV फील आपको कराता है ये चीज़। यहाँ जब देखोगे ऊपर की तरफ तो अपने को बॉडी कलर ही रूफ रेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पूरा बॉडी कलर ही ये चीज़ है। बैक प्रोफाइल से बात करते हो तो यहाँ से ना एक मेन चीज़ है, आपको डीफॉगर रियर वाइपर सारा कुछ यहीं पर मिल जा रहा है जब देखोगे आप पास से। उसके बाद 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर अपने को मिलता है। फिर जब पास से देखोगे तो अपने पास निसान का लोगो, यहाँ मैग्नेट का बैजिंग। इसके बाद यहाँ पे अपने पास हेलोजन के अंदर ही मिलता है, ये अपना ऑलवेज ऑन मोड में रहेगा। इंडिकेटर यहाँ पे, रिवर्स गियर लैंप यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद रियर वाइपर मिल जा रहा है, डीफॉगर मिल जा रहा है, ये तो एक बहुत अच्छा बात है। यहाँ से इसका बूट एसेस करते हैं हम लोग। उसके बाद बूट स्पेस कितना मिलता है, प्रैक्टिकल है कि नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो जब आप देखोगे तो अपने पास ये जो डीप अंदर की तरफ गया हुआ है ना, उसकी वजह से ज़्यादा स्पेस मिलता है। वैसे 336 लीटर कंपनी क्लेम कर रही है। यहाँ पे नीचे की तरफ जब देखोगे तो अपने पास यहाँ पे एक हुक देखने को मिल जाता है। और इसका स्पेयर व्हील का अगर बात करें तो यहाँ से आपको पर्दा हटाओ, कितना प्रोफाइल है यहाँ पे 185/65 15 इंच का, यानी कि एक प्रोफाइल छोटा अपने को स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। फिनिश जब देखोगे ऊपर की तरफ तो अपने को ठीक ठाक फिनिश यहाँ पे भी पूरा प्लास्टिक कवरिंग के साथ अच्छा खासा अपने को यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ से चलते हैं अपन इसके ड्राइवर साइड डोर में, और वहाँ पे फिनिश कैसा मिलता है, कैसा अपना इंटीरियर है, क्या क्या फीचर है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ से डोर खोलोगे तो अपने पास ड्यूअल टोन के अंदर फिनिश देखने को मिल जाता है, जिसमें आप जो चमक रहा है हिस्सा वो अपने को फैब्रिक मिलता है, और बाकी ये जो है ना ये पूरा फैब्रिक मिलता है, बाकी अपना पूरा प्लास्टिक फिनिश है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना ग्रे कलर का फिनिश अपने को देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा बात है। नीचे स्पीकर है, बोटर होल्डर है, यहाँ म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिल जाता है इस वाले वेरियंट में। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ मिल रहा है। एक सबसे खराब चीज़ क्या है, जो कि इसका लॉक अनलॉक का बटन है वो यहाँ दिया गया। पुराने जमाने में जो आता था उस टाइप का बटन से कर दिया जाता तो ठीक रहता। अगर यहाँ पे सीट का बात करें तो फैब्रिक सीट है, मगर यहाँ पे आपको फील नहीं होगा कि ये फैब्रिक सीट है। पूरा फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छा किया गया है यहाँ पे। मैनुअल अपना ये जो सीट है सो एडजस्ट होता है, हाइट एडजस्टेबल भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। चलो यहाँ से अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के देखते हैं कि कैसा अपना फिनिश है और क्या है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता दिया 205 mm का मिलता है, तो आपको एक फील आएगा कि आप एक ऊँचा गाड़ी में, एक SUV टाइप गाड़ी में बैठ रहे हो। यहाँ बैठने के बाद आपको कुछ इस तरह का लुक मिलता है ड्यूअल टोन के अंदर। अच्छा खासा यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के साथ अपने को ये वाला वेरिएंट मिल जाता है। यहाँ से इसका इग्निशन ऑन करते हैं और उसके बाद क्लस्टर का बात करते हैं, क्लस्टर में क्या क्या मिलता है, किस तरह का अपना है। तो यहाँ पे ना पूरा आपको डिजिटल तो नहीं मिलेगा, मगर बहुत सारा चीज़ आपको पहले से प्रिंटेड है, उसके ऊपर से डिजिटल बना दिया गया, तो आपको एक डिजिटल टाइप का पूरा फील आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में RPM मीटर, राइट साइड में अपना जो है सो आपको मतलब फ्यूल वगैरह का, इंजन टेम्परेचर वगैरह दिखाया था। और यहाँ से, और यहाँ पे कोई यार कांच भी नहीं लगा हुआ है, आप डायरेक्ट टच कर पा रहे हो स्क्रीन को। यहाँ से आप चेंज करके एवरेज, उसके बाद सर्विस इंटरवल, टायर प्रेशर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा बात है। उसके बाद स्टीयरिंग का अगर बात करोगे तो स्टीयरिंग अपने पास नॉर्मल यहाँ प्लास्टिक फिनिश के अंदर मिलता है। हल्का सा यहाँ पर ग्रे कलर का पूरा फिनिश दिया गया है। उसके बाद अगर एडजस्ट करने पर आएंगे हम लोग तो अपने पास सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपी का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। चलो ये सारा कुछ बात हो गया। इन्फोटेनमेंट का अगर बात करोगे तो अपने पास नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको थोड़ा सा स्क्रीन दिया गया, बाकी सारा कुछ बटन से कंट्रोल आपका होता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाता है, USB का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैनुअल AC अपने पास नीचे की तरफ स्पेस मिल जाता है, 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स है, यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा आपको। नीचे आओगे तो 12 volt का एक सॉकेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद लेदर फिनिश अपने पास गियर नॉब के नीचे, 2 cup holder मिल जाता है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और हैंड ब्रेक अपने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स देखोगे तो अपने पास अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है।
उसके बाद फिनिश वगैरह मैंने आपको बताया दिया, डिवल्टोन मिलता है, सनवाइजर है, IRBM अपने पास मैनुअल एडजस्ट होता है, और यहाँ पे अपने पास देखोगे रीडिंग बल्ब जो है वो अपने पास हैलोजन माइक यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का वैरिटी मिरर के साथ एक सनवाइजर मिल जाएगा पैसेंजर साइड के लिए। अब जो आगे वाला सीट है वो हम लोगों ने पूरा पीछे कर रखा है, इससे ज़्यादा ये पीछे होगा नहीं। अब हम लोग जब बैठेंगे इसके पैसेंजर साइड डोर में तो वहाँ कैसा स्पेस मिलता है उस चीज़ को समझना जरूरी है कि स्पेसियस ये गाड़ी कैसा है और पीछे पीछे पैसेंजर साइड में अपने को कैसा स्पेस मिलता है। यहाँ से जब अंदर की तरफ देखेंगे हम लोग तो अपने पास वही ड्यूअल टोन में अपने पास फिनिश मिल जाता है, डोर के अंदर फैब्रिक है, उसके बाद प्लास्टिक फिनिश है। नीचे की तरफ आएंगे तो बोटर होल्डर मिल जाता है अपने को, स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ ऊपर में अपने को विंडो का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। सीट में अपने पास वही सेम फिनिश है सेम कलर के साथ, और ऊपर की तरफ देखोगे ना तो अपने पास दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, यानी कि एडजस्टेबल है यहाँ पे, और इसका बेस मॉडल में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, तो ये सेफ्टी का अंदर ध्यान रखते हुए बनाया गया। अब जब आगे वाला सीट पूरा पीछे है फिर भी अपने पास अच्छा खासा लेग रूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा बात है। एसी वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे जो है ना ये बम्प नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है एक तरह से, मतलब पूरा सपाट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रीडिंग बल्ब आपको एक बीच में भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छा बात है, और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। थर्ड पैसेंजर के लिए अपने पास यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं दिया गया, जो कि एक ध्यान देने वाली बात है, आजकल आ ही रहा है, सभी कंपनियाँ कर रही है, मारुति और उसके बाद हुंडई तो कर ही रही है, ये दो कंपनी। चलो लगभग सारा कुछ बात हो गया इसके इंटीरियर एक्सटीरियर का। इंजन का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 1 लीटर का B4D इंजन देखने को मिलता है, जो कि 71 BHP का पावर जनरेट करता है 96 Nm टॉर्क के साथ। 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, और वो तो ज़्यादा कम अपने चलाने के हिसाब से वो चीज़ होते रहता है। तो यही था मेरा वीडियो, आपको ये वेरिएंट कैसा लगा और ये कार कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।